बिक्रा लेते 2,80,00,000 रुपए का घोटाला हुआ, तो बैंक में केवल 20,000 रुपए 10,000 रुपए जमा है जिससे कोई जमा नहीं पैसा हुआ, तो क्या उसकी जांच की मांग? दुकानें खाली कराए जाए, तो दुकान का किराया 1,000 रुपए बता रहे, 6,000 रुपए में दुकान देती है, कहते 1,000 रुपए में दुकान देते हैं, 1,000 है जांच हमारी। भाई टावर किस लिए चढ़े थे? टावर किस लिए चढ़े थे? यूपी में एक और मंदिर आया घोटाले की चपेट में। मंदिर का 2,80,00,000 रुपए का घोटाला होने का आरोप। खबर यूपी के शाहजहांपुर के जलालाबाद से है। कस्बे के दुर्गा मंदिर के पूर्व पुजारी ने प्रबंधन पर 2,80,00,000 रुपए का गबन किए जाने का आरोप लगाया है। काफी दिनों से जांच की मांग करते रहने के बावजूद किसी के कान तले जू नहीं रेंगी। तंग आकर पूर्व पुजारी नीलेश बाबू ने आज सुबह अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया। वह अपने साथी के साथ मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और तत्काल जांच की मांग करने लगा। पुलिस और समाज के समझदार लोगों ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि मामले की जांच एसडीएम के पास है। नीलेश पुजारी का आरोप है कि एसडीएम जानबूझकर जांच को लटकाए हुए है। पुजारी का कहना है कि मंदिर में 2,80,00,000 रुपए की आमद हुई है जबकि खाते में केवल 20,000 रुपए है, बाकी रकम कहाँ गई? फिलहाल जांच की बात कहकर प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है। क्या बात है? मंदिर का जो पैसा लोगों ने खाया है। कितने खाया है? जिसकी मृत्यु हो चुकी उसका भी पैसा जो लोग खा रहे हैं जब से। अच्छा हाँ, उनकी भी मृत्यु हो चुकी जब, तो उसका भी लोगों चल लिया कि ये मृत्यु हो रहने के बाद भी किराया लेते रहे, जिसकी मृत्यु हो गई तब भी किराया लेते। 2,80,00,000 रुपए का घोटाला हुआ, तो बैंक में केवल 20,000 रुपए 10,000 रुपए जमा है जिससे कोई जमा नहीं पैसा हुआ, तो क्या उसकी जांच की मांग? दुकानें खाली कराए जाए, दुकान का किराया 1,000 रुपए बता रहे, 6,000 रुपए में दुकान देती है, कहते 1,000 रुपए में दुकान देते हैं, 1,000 है जांच हमारी। भाई टावर किस लिए चढ़े थे? टावर किस लिए चढ़े थे? टावर पे मांग के लिए चढ़े थे कि दुकानें खाली कराए, मंदिर का पैसा है जितना सब जब्त कर लिया जाता है। कौन लोग जब्त करते हैं? है सत कुमार है, राम अवतार थे, और लोग भी उनके हैं जो मृत्यु जिसकी हो चुकी है उनके नाम भी पैसा घोटाला करते हैं जो लोग। कितना पैसा घोटाला हो चुका है? 2,80,00,000 रुपए घोटाला हो चुका है।